बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी अब जाए, इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कथा है। एक बार एक नट और नटनी जो कलाबाजी दिखाते ना, रोप के ऊपर चढ़ के दिखाते, चल के दिखाते हैं, रस्सी के ऊपर और बैलेंस करते हैं और कलाबाजी खाते हैं, ये करते हैं जैसे सर्कस समझ लो। पहले सर्कस नहीं होते थे, पहले क्या होते थे, नट नटनी बोलते थे उनको। नटनी रिदम बजाती थी और नट कलाबाजी करता था। आग पे चलना है, आग के दीपक लेकर के और दीपक जला करके उससे कुछ नृत्य करना है, डांस करना, बहुत सारी नट कलाएं होती थी। बहुत से लोग तो तखत को उठा के, क्या तखत तोड़ू डांस क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोल, हाँ तखत तोड़ू डांस क्या, पता क्या क्या होता था नटकला में। तो जैसे आपके राजस्थान में भी एक नृत्य होता है ना, दीपक सिर्फ वो कलश के ऊपर दीपक लगाकर क्या बोल, चरकुला नृत्य होता है, है? तो ये सब नटकलाओं में पहले दिखाया जाता था। तो एक बार एक नट और नटनी एक राजा के यहां पहुंचे। उन्होंने सोचा कि बहुत जगह नटकला दिखाई, हमारी नटकला तो इतनी बढ़िया है, किंतु जैसी हमारी कला है वैसा हमें पारितोषिक नहीं मिला। अब राजा के यहां चलकर दिखाएं, राजा खुश हो जाएगा तो इतना धन दे देगा, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नट नटनी पहुंच गए राजा के यहां और राजा भी बड़ा गुणग्राही था भाई, जो भी गुड़ी जन है, गुड़ी लोग हैं, उनको बुलाता रहता था, उसकी ख्याति उन लोगों ने सुन रखी थी, इसलिए बड़ा बढ़िया मन बनाकर गए। अब तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि हमारी नटकला बहुत अच्छी है। पहुंच गए वहां और राजा को, राजा के पास जाकर के और विनती की, राजा ने स्वीकार कर ली। अरे भाई कोई गुण दिखाना चाहता है, टैलेंट है किसी के पास में, दिखाना चाहता है, तो राजा बड़े खुश हुए, जरूर दिखाओ भैया। और रात्रि का समय निश्चित हो गया, सब लोग आ गए, अब प्रारंभ हुआ। भीड़ जो जितने नगर में लोग थे सब आ गए, भाई इतना कोई नट आया ऐसा जिसके लिए राजा ही बहुत खुश है, चलो आ जान दो, सब 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 आ गए। उसी समय वहां से एक संत निकल रहे थे बाबा जी, उनको भी लगा, पूछा ये भीड़ क्यों हो रही है, बोले कोई नट आया है राजा को खुश करने के लिए। बोले अच्छा चलो हम भी देख लेते हैं, वो भी बैठ गए सभा में, राजकुमार बैठे, राजकुमारी बैठी, सब लोग बैठ गए, सब सभापति मंत्री संतरी सब सब बैठ गए। अब कहा उसको, आदेश दिया, हाँ भैया दिखाओ। उसने बहुत मेहनत की साहब, दिखाना प्रारंभ किया। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह की 4 बजने लगे। राजा ने एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया, बड़ाई नहीं करी, अरे वाह वाह क्या बात, एक बार भी नहीं बोले, राजा चुपचाप बैठे रहे। जब 5 बजने को हुए, जब तक राजा ने एक बार भी बड़ाई नहीं करी, तो वो जो नट था उसके मन में शिथिलता आने लगी। अरे पूरी रात तो शरीर तोड़ा इसके सामने, और ये कैसा पत्थर का राजा बैठा है सामने, एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया, बड़ाई नहीं करी हमारी, खुश नहीं हुआ। जब ये खुश ही नहीं हुआ तो देगा क्या, मन में ऐसे विचार आने लगे। जब विचार आने लगे तो ऑब्वियसली जब ऐसे विचार आएंगे तो जिस मेहनत से जिस उमंग के साथ में कर रहा था उसमें कमी आने लगी। वो नटनी बड़ी समझदार थी, उसने ढोल बजाते बजाते पंक्ति बोली, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। अरे पूरी रात तो निकल गई, अब सुबह होने को आई और तू इस समय अपने मन को शिथिल कर रहा है। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कह नटनी सुन रे नटा ताल भंग नहीं लाए। अरे नट थोड़ी देर की बात और है, सूर्य नारायण उदय होने वाले हैं, जब तक तो कम से कम दिल खोल के कर ले, उसके बाद में राजा दे ना दे सेकेंडरी बात है। तू अपने मन में शिथिलता क्यों ला रहा है, कमजोरी क्यों ला रहा है, अरे खूब जोर से अपना कर उमंग में भर के। ये सुनते ही नट को होश आ गया, अरे वास्तव में मुझे तो और करना चाहिए। वो और ढंग से नृत्य करना उसने प्रारंभ किया, नट कला दिखाना प्रारंभ किया। वो तो सचेत हो ही गया, किंतु उस समय कुछ और लोग थे जिनकी आंखें खुल गई। सबसे पहले राजकुमार खड़े हुए, अपना भेष कीमती हार उतार के और फेंक दिया उसके सामने। राजा को लगा
कि भाई ऐसी कौन सी नटकला दिखा दी इसने कि राजकुमार ने बेशकीमती हार डाल दिया सामने। क्या बात है भाई, इतनी देर में देखा तो राजकुमारी खड़ी हुई, अपने हाथ के कंगन उतारे बेशकीमती और दे दिए। अब तो राजा इधर देखे उधर देखे, बोले इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया। इतने में साधु आया, साधु ने अपने अपना जो कंबल ओढ़ रखा था, सर्दी के दिन थे, कंबल ओढ़ रखा था, वो उतारा और दे दिया और आशीर्वाद लेके चलते बने। राजा को बड़ी समस्या हो गई कि भाई कोई ऐसी कोई बढ़िया नटकला तो इससे दिखाई नहीं है, सब लोग देख क्यों रहे इसको इतना। फिर भी राजा को लगा भैया पूरा हो गया, तो राजा ने कहा भैया इसको जाकर के जो चाहिए वो दे दो, विदा करो। क्योंकि राजा के मन में एक चीज घूम रही थी, दिया क्यों, क्या दिखाया इसने ऐसा, हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। कोई बात नहीं, सब चले गए। राजा ने राजकुमार को बुलवाया, क्यों भाई हमें एक संदेह हो रहा है, हमें यह बताओ कि उस नट ने दिखाया क्या ऐसा जो कि तुमने अपना भेष कीमती हार दे दिया उसको। बोले पिताजी आप नाराज नहीं हो तो बताऊं। बोले हां बताओ। मुझे उस नट की कला देख करके कुछ देने का मन नहीं हुआ, तो वो नटनी ने जो कहा ना वो सुनकर के दिया। बोले उसने क्या कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कह नटनी सुन रे नटा ताल भंग नहीं ला। तो उसमें क्या बात थी। बोले पिताजी सच बताएं, आप इतने वृद्ध हो गए और आप गद्दी छोड़ते नहीं हो, और मेरे जो मित्र लोग हैं मुझे चढ़ाते रहते कि तू बुढ़ा हो जाएगा उसके बाद तुझे बैठने को मिलेगा है, और क्या पता उसके पहले ही तेरा ऊपर का टिकट कट जाए तो राजा ही नहीं बन पाएगा। तो पिताजी सुन सुन करके मेरा दिमाग पक गया था और मैंने निश्चय कर लिया आज रात्रि के भोजन में आपको विष दिया जाएगा। जैसे ही नटनी ने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कह नटनी सुन रे नटा ताल भंग नहीं लाए, मेरी आंखें खुल गई। अरे पिताजी की उम्र ही कितनी अब बची, 5-10 साल। मैं उनकी इस उम्र के पीछे उनको जहर देकर इतना बड़ा पाप कमाऊं, मुझे मेरा विवेक जागृत हो गया पिताजी, और ये पाप करने से मैं बच गया, इसके लिए मैं खुश होकर के मैंने अपना हार दे दिया। अच्छी बात है, जाओ। राजकुमारी को बुलाया, ये बताओ तुमने अपने हाथ के कंगन दिए तो क्यों दिए, क्या दिखाया उसने। राजकुमारी कहने लगी पिताजी आप बुरा ना माने तो कहूं, आपके छोटे से मंत्री हैं, उसके पुत्र से हमें ब्याह करना है। अब आपसे कहें आप तो करोगे नहीं क्योंकि आपकी नाक कट जाएगी, तो हमने सोचा था कि आज हम रात्रि में भाग जाएंगे और चले जाएं, कहीं जाकर के जंगल में झोपड़ी बना के रह लेंगे, चलेगा, किंतु यहां से तो पिंड छूटेगा, ब्याह कर लेंगे। जब उसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कह नटनी सुने नटा ताल भंग नहीं लाए, मेरा विवेक जागृत हो गया। मैंने कहा अरे भैया को तो पता ही है वो तो मेरा ब्याह कर ही देगा, पिताजी की परेशानी है। अब ये है ही कितने साल के, जो भी 2-5-10 साल बचेंगे उसके बाद तो भैया मेरा ब्याह कर ही देगा, तो काय को मैं ऐसा अपयश कमाऊं कि भाग करके और शादी करूं। तो पिताजी खुश होकर के मैंने उसकी बात से मेरा विवेक जागृत हो गया और मैंने कंगन दे दिया। अच्छा बहुत अच्छी बात, मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। अब राजा के मन में तीसरा प्रश्न था कि भैया ये बाबा जी को क्या पड़ी थी, जो ठंडी इतनी पड़ रही है, लोग जो है रजाइयों में घुस के बैठना चाहते हैं, और ये इससे ठंडी के मौसम में भी उतार के कंबल दे दिया, सुबह सुबह बहुत ठंडी होती है। सैनिक लेके आओ बाबा जी को बुला के लाओ, हम भी पूछेंगे क्या उनको क्या परेशानी थी, उनको क्या बात समझ में आई। वे आए, जब वे आए तो उनसे पूछा राजा ने, बोले महाराज प्रणाम, ये बताइए कि आपने उस नट की कला देखकर कंबल दे दिया, क्या आपको क्या ऐसी कला पसंद आई उसकी। संत बोले देखो राजन हमें तो कोई कला वाला से मतलब था नहीं, हम तो भीड़ देखकर ऐसी बैठ गए थे, फिर आपने कंबल क्यों दिया। बोले कंबल इसलिए दिया राजन कि जब हम आए हम बैठे
तब हमने आपको देखा। जब हमने आपको देखा तो आपको देखने के बाद हमारे मन में आया, अरे हम अपने घर परिवार को छोड़कर आए। देखो ये राजा के बगल में इनकी रानी बैठी है, इनकी बेटी बैठी है, बेटा बैठा है। हम अगर घर में रहते तो कम से कम परिवार के संग तो रहते, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के है, ना तो भगवान का भजन हो पाया, ना भगवान मिले और ना परिवार में ही रह पाए। ऐसा जीवन क्या जिया हमने, बेकार का जीवन जिया। तभी उस नटनी ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी, अब जाए कहे नटनी सुनी डटा, ताल भंग नहीं लाए। हमारा विवेक जागृत हो, अरे घर द्वार छोड़कर तुम साधु बने, लंगोटी ली और आज राजा को देख करके फिर विषय में चले गए। फिर वही अब तुम्हारे मन में सांसारिक भावना है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तो हमारा विवेक जागृत हुआ, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करके रहेंगे। ये निश्चय किया तो जिससे हमें विवेक जागृति हुई, हमारी ज्ञान मिला, अब उससे भेंट क्या करें। तब हमने अपने, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, जो कम बल था हमने उसे दे दिया। राजा बोले, बात तो बहुत अच्छी है। बोले, महाराज कुछ चाहिए आप? अरे अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो तुम्हारे राज में रहना भी नहीं, अब तो जंगल में रहेंगे, अब नहीं रहेंगे, फंस गए एक बार, फालतू विचार आ गए ऐसे ऐसे, अब तो भगवान की प्राप्ति, अब तो चले राजन। संत निकल गए। राजा ने राजकुमार को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, राजकुमार को सिंहासन पे बिठाया, अपना ताज उतार के उसे पहना दिया। बोले, तू आज से राजा है यहां का, ले भाई। मंत्री को बुलाया, उसके बेटे को बुलवाया, बेटी का ब्याह कर दिया। और राजा ने कहा, जब सबका विवेक जागृत हो गया और मैं अभी तक अंधकार में ही पड़ा हुआ हूं, तो क्यों ना मैं भी अपने विवेक को जागृत करूं। और राजा ने अपना राजपाट छोड़ करके भगवान की शरण ली और जंगल में जाकर भगवान के भजन में मस्त हो गए और भगवत प्राप्ति उन्हें हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दो पंक्तियों ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। राजकुमार को, राजकुमारी को पाप करने से, अपराध करने से, गलती करने से, भूल करने से बचा दिया। साधु का मन, जो साधु होने के बाद भी संसार में की ओर आकृष्ट हो रहा था, उसको भी वहां से मोड़ दिया और भगवत भजन में लगा दिया। राजा जिसे होश ही नहीं था, जो अपने अपने राजकाज में व्यस्त रहता था, उसका विवेक जागृत करा दिया और राजा भी भगवान की शरण में चला गया। तो साहब, इसके लिए बार बार सत्संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पता नहीं कौन सा समय आ जाए कि वो बात केवल हमारे लिए ही कही जा रही है और वह हमारे कान में पहुंच जाए और फिर हमारे हृदय में उतर जाए और बुद्धि निर्णय ले ले, अब तो ऐसा ही करेंगे। कहिए राधे राधे। इसके लिए सत्संग करना जरूरी है।